वेलकम बैक टू गुड टू नो चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये जो हमारे बड़े स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स, यानी कि हिंदी मूवीज, तेलुगु, तमिल, कन्नाडा, ये सारे जो फिल्म स्टार होते हैं ये अपनी मूवीज स्पेशली फेस्टिवल के टाइम ही क्यों रिलीज करते हैं। जैसा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी बड़े मूवीज है ये हमेशा फेस्टिवल के टाइम पर रिलीज होते हैं। फेस्टिवल का अगर एग्जाम्पल बताऊँ जनवरी से, तो सबसे पहले आता है रिपब्लिक डे, फिर उसके बाद होली, ईस्टर, ईद, इंडिपेंडेंस डे, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर। इतना ही नहीं, आजकल तो प्रोड्यूसर जो है वो जयंती, जो फेमस सेलिब्रिटी की जयंती होती है, बर्थडे, उस डेट पे भी रिलीज करना शुरू कर दिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पांच ऐसे रीजन कि हॉलीडे वीकेंड ही सुपरस्टार्स क्यों चुनते हैं अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। पॉइंट नंबर वन, हॉलीडे सीजन। अगर आपने नोटिस किया होगा फेस्टिवल वीकेंड पे अगर कोई मूवी रिलीज होती है किसी बड़े स्टार की, तो उस मूवी को अच्छी ओपनिंग मिलती है, यानी कि बहुत सारे लोग उस मूवी को देखने आते हैं क्योंकि उनका फेवरेट स्टार की मूवी थिएटर में लगी होती है। अगर आप नोटिस करें तो फेस्टिवल के टाइम पे जो मूवी रिलीज होती है उस टाइम पे क्राउड ज़्यादा होती है नॉर्मल फ्राइडे के रिलीज से। पॉइंट नंबर टू, ट्रीट फॉर फैंस। हर स्टेट का अपना ही एक फेवरेट सुपरस्टार होता है जो हमेशा फेस्टिव के टाइम पे ही अपनी मूवी रिलीज करता है, जो फैन के लिए एक ट्रीट जैसा होता है। स्टार वॉन्ट टू रिलीज देयर मूवीज लाइक सलमान खान ऑन ईद, दलपति विजय एंड अजीत ऑन पोंगल, नंदामुरी बालकृष्णन और चिरंजीवी ऑन संक्रांति, शाहरुख खान और अजय देवगन ऑन दिवाली, आमिर खान रोहित शेट्टी ऑन क्रिसमस ब्रिंग्स यू जॉय एंड हैप्पीनेस टू देयर फैंस। यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉइंट नंबर थ्री, डिमांड एंड सप्लाई। फेस्टिव सीजन के टाइम पे हमेशा यूज डिमांड होती है थिएटर ओनर की तरफ से, फैन क्लब की तरफ से, OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से और अदर डीलर्स की तरफ से कि बिग स्क्रीन पे कोई बड़े स्टार की मूवी रिलीज की जाए। प्रोड्यूसर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक अच्छी मूवी बनाएं बड़े फिल्म स्टार के साथ और सप्लाई करें अपने फैंस के लिए टू रिलीज देम ऑन अ स्पेसिफिक डेट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पॉइंट नंबर फोर, बॉक्स ऑफिस। फेस्टिव रिलीज के वजह से बिग कलेक्शन होता है थिएटर ओनर्स का। थिएटर वाले जो हैं टिकट की प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो फैंस हैं वो अपनी फेवरेट स्टार की मूवी किसी भी हालत में देखेंगे ही। इसके अलावा इतना ही नहीं, थिएटर के अलावा प्रोड्यूसर भी यूज प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि वो राइट्स बेचते हैं एग्जीबिटर्स को, टेलीविजन को, सैटेलाइट राइट्स वाले को, ओवरसीज राइट्स वाले को और म्यूजिक राइट्स वाले को डबल द प्राइस में। पॉइंट नंबर फाइव, वर्ल्ड वाइड कल्चर। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु इंडस्ट्री वाले भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं कि फेस्टिवल के टाइम भी अपनी मूवी रिलीज करते हैं। समवेयर फेस्टिव रीजन हैज मनी बैक गारंटी बिकॉज ऑफ स्टार्स। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। गुड टू नो, डिड यू नो, कंटेंट इज द किंग, बट व्हेन फेस्टिव सीजन कम्स सुपरस्टार आर द किंग्स, स्पेशली इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। फॉर कंटेंट, मराठी एंड मलयालम इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सैडली दे आर रिच इन कंटेंट नॉट ऑन द बॉक्स ऑफिस बिकॉज दे डोंट हैव स्टार्स ऑन देयर फिल्म्स। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।